अज CPIM वालों रुड़का कलां विखे पार्टी का दफ्तर खोलिया गया, जिसका उद्घाटन पार्टी के सीनियर आगू गुरचेतन सिंह बासी वालों पार्टी का झंडा लहरा के किया गया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर आगू लैंबर सिंह तगड़, सुखप्रीत सिंह जौल, मास्टर पुरशोत्तम बैलगा, प्रिंसीपल मूलचंद सरहाली, बलदेव सिंह देवी आदि हाजिर होए। अपने संबोधन में कामरेड लैंबर सिंह तगड़ ने दिल्ली विखे चल रहे संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि हुण लोग जाग चुके हैं, केंद्र की सरकार नूं लोगों के रोह अगे झुकना ही पवेगा और यह काले कानून वापस लेने पैणगे। कामरेड मेला सिंह ने दस्सिया कि इलाके में पार्टी दी सरगर्मियां नूं चलाउण लई एक दफ्तर की लोड़ सी, जिस करके पार्टी का दफ्तर रुड़का कलां विखे खोलिया गया है। इस मौके पर बलदेव सिंह देवी, जसवंत सिंह चंद, इंद्र सिंह पंच, हरजिंदर सिंह, परगण सिंह, हरजिंदर सिंह, भूषण चंद्र, पाल सिंह मल्ली, सुरेंद्र सिंह, गुरमीत सिंह, मोहन लाल, मुल्कराज अते होर साथी हाजिर सन। अज रुड़का कलां दे विच हिंद कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM दा यूनिट दा दफ्तर खोलण दा प्रोग्राम सी। सो ये दफ्तर खोलिया गया जिहदे विच कामरेड गुरचेतन सिंह होणा ने पार्टी का झंडा चलाया ते मैं ते होर साथियों ने अपने विचार पेश कीते अज दे हालात बारे, जिहदे विच पार्टी के दफ्तर की महत्ता हुंदी आ उहदे बारे भी दस्या ते अज दे किसान संघर्ष बारे भी दस्या ते नाल इह गल कही कि साडी पार्टी CPIM अज दा जिहड़ा महान किसान संघर्ष चल रहा उहदी ऐन मुकम्मल तौर ते हमायत करदी आ और इहनूं कामयाब करन दे वास्ते कोई भी कसर बाकी नहीं छड्ड रही। तो असी यह कह रहे हैं कि ये लंबे समय का संघर्ष आ, लंबा समा चलेगा और साढ़े दाइए 2000 घट्टो घट इस तरह चलणगे कि जां तां मोदी सरकार ये कानून रद्द करे, इन्हां नूं वापस लवे, ते जे ये वापस ना लए तो साडा संघर्ष उस समय तक जारी रहेगा जब तक इन्हां कानूनां नूं बनाउण वाली मोदी सरकार नूं असीं गद्दी तों ला नहीं लैंदे। इहदा मतलब है कि 2024 तक भी ये साडा संघर्ष जारी रह सकदा ते उस तों बाद असीं इहो जिही सरकार केंद्र दे विच बणावांगे जिहड़ी इन्हां कानूनां नूं वापस लैण दा ऐलान करेगी। अज कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM दा यूनिट रुड़का कलां दा दफ्तर बकायदा तौर पर झंडा चलाउण उपरंत जिहड़ा मतलब शुरू किया गया, क्योंकि काफ़ी समय तो असी महसूस कर रहे सी यूनिट वाले कि अपनियां जथेबंधक सरगर्मियां, अपनियां समाजिक सरगर्मियां ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ, ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਥੀ ਲੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਤਗੜ ਹੋਣੀ, ਸਾਥੀ ਗੁਰਚੇਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ सारे पंजाब के अंदर कीतियां जानियां उहदे विच सारे वर्करां नूं, सारे पार्टी वर्करां नूं, सारे किसानां नूं, मजदूरां नूं, मुलाजमां नूं, विद्यार्थियां नूं जिहड़ा वध चढ़ के जिहड़ा हिस्सा पाउणा चाहीदा, इस वास्ते सानूं इस गल की खुशी अज कि असीं अपनी पार्टी का जिहड़ा दफ्तर आ उहनूं बकायदा तौर पर मतलब चालू कर रहे हैं। इन्हां शब्दां दे नाल तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद।